हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली हम लोग जो है कोशिश करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है जो कि कवर करने की, और उसी की तर्ज पे जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों कि कल था 25 अप्रैल, और 25 अप्रैल को दोस्तों ऑस्कर अवार्ड जो अकेडमी अवार्ड है उनका अनाउंसमेंट किया गया है। तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है ऑस्कर अवार्ड में से आपके एक आधे क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ जाता है, तो कंप्लीट डिटेल है जो कि हम लोग ऑस्कर अवार्ड के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से पहले वीडियो को शेयर कर दो सारे के सारे बच्चे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो 93rd ऑस्कर अवार्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। आने वाले 15 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगी दोस्तों, जो ऑस्कर का अवार्ड है उसके बारे में, स्टैट्यूट के बारे में, एवरीथिंग, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन है जो कि करेंगे। कौन कौन सी मूवीज को दोस्तों ये अवार्ड मिला है और कौन कौन से लोगों को मिला है, कंप्लीट डिस्कशन है जो कि हम लोग करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी प्लस कोर्स लेना है तो आप BHU 10 या फिर BHU 10 कुछ भी यूज करो, 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को मालूम है एकेडमी अवार्ड वैसे खैर ऑफिशियल नेम होता है, लेकिन जिसको हम लोग नॉर्मली ऑस्कर के नाम से जानते हैं, हॉलीवुड का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि फिल्म कैटेगरी का है। जैसे कि हम लोग हमारे नोबेल अवार्ड मानते हैं, वैसे हमारे म्यूजिक के लिए ग्रैमी मानते हैं, वैसे टोनी अवार्ड होते हैं, वैसे एमी अवार्ड होते हैं टेलीविजन के। ओके, तो इसी तरीके से आप प्रिट्ज़कर प्रेस का पुरस्कार होता है, पुलित्ज़र होता है जर्नलिज्म के लिए। तो हर एक कैटेगरी के अंदर दुनिया के टॉप टॉप अवार्ड है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से ऑस्कर की अगर मैं बात करूं गाइस, तो ऑस्कर के अंदर मूवीज के लिए दोस्तों ऑस्कर पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। ठीक है, तो 1927 के बाद में दोस्तों जो कि नॉमिनीज होते हैं, विनर होते हैं, वो एक मेंबर्स होते हैं अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के, है ना, उसके मेंबर है दोस्तों जो कि चुनते हैं नॉमिनी और विनर को। ठीक है, 10,000 लोगों की मेंबरशिप होती है, उसमें 17 ब्रांचेस हैं, है ना, जैसे कि डायरेक्टर्स होती है, सिनेमाटोग्राफर्स है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, ऐसे बहुत सारे दोस्तों ब्रांचेस हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार दोस्तों आप देख सकते हैं 25 अप्रैल को ये अवार्ड हुए, और ये अवार्ड कहाँ पे होते हैं, LA के अंदर होते हैं, लॉस एंजलिस के अंदर ये अवार्ड है जो कि करवाए जाते हैं। ठीक है गाइज, सबसे पहला तो ये देख लेते हैं कि जो वर्ड ऑस्कर है ये कहाँ से आया है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा कि ये वर्ड जो है ऑस्कर, ये बहुत ही मिस्टीरियस है, इसके बारे में रियल फैक्ट जो है वो किसी को नहीं पता। और वैसे इसका नाम जो है वो अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है, लेकिन नॉर्मली हम इसको ऑस्कर बोलते हैं निकनेम के द्वारा। और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है जो कि बता रखी है। ऐसा बोला जाता है कि एक हैरिक करके एक पर्सन थे जो कि एक लाइब्रेरियन के तौर पर काम किया करते थे अकेडमी के अंदर, और पहली बार जब उन्होंने इस अवार्ड को देखा था ना, स्टैट्यूट को, तो देख के उन्होंने ये बोला कि ये जो अवार्ड है ये बिल्कुल मेरे अंकल ऑस्कर जैसे लगते हैं। जो ये इमेज है ना आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये कैसे लग रहे हैं, मेरे अंकल ऑस्कर जैसे लग रहे हैं। तो जब ये पहली बार स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया, उसके बाद में थोड़े लोगों के बीच में ऑस्कर के नाम से फेमस हुआ, धीरे धीरे करते करते पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों ऑस्कर के नाम से ये फेमस हो गया। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर देना अगर आपने शेयर नहीं किया है तो, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। ठीक है, चलिए, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि निकनेम स्टार्ट कैसे हुआ, लेकिन ये दोस्तों धीरे धीरे जो है बहुत लोग इसको यूज करने लग गए, और 1940 आते आते दोस्तों बहुत लोग बहुत ही कॉमनली जो है ये वर्ड देखने को मिलने लगा। ठीक है गाइस, तो आप अगर देख सकते हैं, अगर मैं इसकी पूरी हाइट की बात करूं तो 13.5 इंच इसकी हाइट होती है। ओके, वेट की बात करें तो 8.5 पाउंड है जो कि इसका वेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, इसके हाथ में एक सॉर्ड होती है, दिख रहा है आपको, एक सॉर्ड है जो कि ये लिए हुए खड़ा होता है। यहाँ पे 5 स्पोक्स है जो कि बनी हुई होती है, जो कि 5 ओरिजिनल ब्रांचेस जो होती है ना अकेडमी की, वो रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि एक अवार्ड होता है एक्टर का, एक होता है डायरेक्टर का, एक होता है प्रोड्यूसर हो गया, टेक्नीशियंस हो गए, राइटर्स हो गए। तो ये 5 मेजर आर्म होते हैं किसी भी मूवी मेकिंग के अंदर। नॉर्मली तो हमारे इंडिया में एक्टर को जानते हैं, ज्यादातर डायरेक्टर को जानते हैं, लेकिन हर एक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, प्रोड्यूसर का रोल होता है, आपके जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनका रोल होता है, सिनेमेटोग्राफर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, टेक्नीशियंस होते हैं, राइटर्स होते हैं, है ना, राइटर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि इतना रिकॉग्निशन हमारे यहाँ पे मिलती नहीं है, वो बात अलग है। तो 1949 में दोस्तों जो है पहली बार एक नंबर जो दिया गया इसको, वो 501 से इसकी स्टार्टिंग है जो की करी गई। हालांकि पहली बार जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था वो 16 मई 1929 को दिया गया था। 16 मई 1929 को पहली बार दोस्तों ये अवार्ड है जो की दिया गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली की बात करूं तो 93rd अकेडमी अवार्ड का अनाउंसमेंट है जो कि किया गया अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा। और 2020 के अंदर जो मूवीज लगी है, 2021 के स्टार्टिंग में लगी है,
है ना, उनको इसके अंदर इंक्लूड है जो कि किया जाता है। हालांकि ये सेरेमनी जो है वो 15 मार्च को नॉमिनेशन जो है वो अनाउंस कर दिए गए थे, तभी बहुत लोगों को पता लग गया था कि कौन सी मूवी को जो है वो मिलने के चांसेस है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी जो है वो बता दिया था। ठीक है गाइस, तो ये और दो मंथ पहले ये होना था, लेकिन वहां पे कोविड की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया और अब जाके दोस्तों ये करवाया गया। यहाँ पे नोमैडलैंड नाम की जो मूवी है उसने 3 अवार्ड है दोस्तों जो कि जीते हैं। ठीक है गाइस, 78th अकेडमी अवार्ड के बाद में 3 या उससे ज्यादा अवार्ड किसी ने नहीं जीते। ठीक है, और इसके अलावा द फादर है, जूडास एंड द ब्लैक मसीहा है, बहुत सारी मूवीज है दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे अवार्ड है जो कि जीते हैं। ठीक है, 32% इस बार ऑस्कर के अंदर जो नॉमिनी थी वो महिलाएं थी, अच्छी बात है, जो कि हाईएस्ट रही है अब तक की। लॉन्गेस्ट टाइटल का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इस बार जिनको नॉमिनेट किया गया एकेडमी हिस्ट्री के अंदर, वो है, यहां पे आप नाम देख सकते हैं, कोहेन डबल नॉमिनेटेड फिल्म है। ओके, 2 बार डबल नॉमिनेटेड किया गया, मतलब इनको सबसे बड़ा नाम है, साचा बैरन कोहेन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस बार जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मूवी रिलीज करी गई है, जो डिजिटल मीडिया पे जो मूवी रिलीज करी गई है, उनको भी दोस्तों यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नॉर्मली पहले ऐसा इंक्लूड नहीं किया जाता था। बेस्ट पिक्चर की बात करें तो नोमैडलैंड को दोस्तों बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। ओके, एक स्टोरी है एक महिला की जो कि अलग अलग जर्नी पे जाती है। ओके, इसको यहाँ पे कॉल ने डायरेक्ट किया है और इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है, ये भी लगे हाथ ध्यान रखना। ठीक है गाइस, इसके अलावा तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो द फादर करके मूवी है, उसके एक्टर है हॉपकिंग्स, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइस, इनके बारे में बात कर रहा हूं। ओके, हॉपकिंग्स जो है ऑस्कर के नॉमिनेशन पाने वाले सबसे बुजुर्ग पर्सन है। ओके, फर्स्ट मैन है जिन्होंने 80 साल पूरे होने के बाद में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो कि जीता है। ठीक है गाइस, तो काफी बड़ी बात है, मतलब। ठीक है गाइस, ठीक है, चलिए। इसके अलावा आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि 28 फरवरी को यह होने वाला था ओरिजिनली, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक इसको नहीं करवाया गया। ऑस्कर के अंदर बहुत बड़ा, आपको मालूम है, रेड कार्पेट बिछाया जाता है, 50,000 स्क्वायर फीट का दोस्तों ऑस्कर रेड कार्पेट बिछाया जाता है। और इस बार जो है बहुत 900 घंटे जो है 18 वर्कर जब काम करने लगते हैं, 900 घंटे काम करते हैं, तब जाके ये रेड कार्पेट है दोस्तों जो कि लगाया जाता है। और इस बार ठीक है, इसका कोई ज्यादा काम नहीं रहा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में, हालांकि ये ऑफलाइन करवाया गया है, ऑनलाइन नहीं हुआ इवेंट, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन ही हुआ है, तो खैर रेड कार्पेट तो काम आ गया, लेकिन उतना ज्यादा जो माहौल होता है उतना ज्यादा माहौल देखने को नहीं मिला। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पे फ्रांसिस है दोस्तों नोमैडलैंड की, तो एक तो डायरेक्टर का अवार्ड हो गया, मूवी का हो गया, और एक इनके एक्ट्रेस का हो गया, 3 अवार्ड है जो कि नोमैडलैंड को मिल गए हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करें तो अनादर राउंड करके एक डेनमार्क की मूवी है, अनादर राउंड, तो उसको दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर, मैंने आपको बताई दिया नोमैडलैंड की दोस्तों डायरेक्टर है, ओके कॉल, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें, देखिए जो जो अवार्ड के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सारे पेपर में पूछे जाते हैं, इन्हीं में से एक सवाल बन के आता है, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे डैनियल करके है दोस्तों जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? डैनियल। जूडास एंड द ब्लैक मसीहा नाम से मूवी है, ये रहे आपके सामने, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड इनको मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो जैंग नाम से आप याद कर सकते हैं, मिनारी नाम की एक मूवी है, उसके लिए इनको मिला है। ठीक है गाइस, तो कुल मिला के 4 लोग हो गए। देखो, मूवी तो नोमैडलैंड हो गई, डायरेक्टर उसकी कॉल हो गई, बेस्ट एक्टर हो गया आपके, क्या बोलते हैं, हॉपकिंग्स हो गए, बेस्ट एक्ट्रेस हो गई आपकी फ्रांसिस, उसके बाद में सपोर्टिंग की बात करें तो आपके डैनियल हो गए। ठीक है, और एक्ट्रेसेस की बात करें तो जैंग नाम से आप एक्ट्रेस याद कर सकते हो। तो 4 नाम आपको करने, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सपोर्टिंग, सपोर्टर, साथ में एक्ट्रेस और एक्ट्रेस, और साथ में मूवी आपको मालूम है, डायरेक्टर मालूम है। एनिमेटेड फिल्म की बात करें तो सोल करके एक मूवी है, डॉक्यूमेंट्री इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, तो माई ऑक्टोबस टीचर करके दोस्तों इसको डॉक्यूमेंट्री का बेस्ट अवार्ड है जो कि नवाजा गया है। शॉर्ट फिल्म की बात करें तो इफ एनीथिंग हैपेंस आई लव यू, ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल नाम है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका आर्ट भी बनाया हुआ है, इफ एनीथिंग हैपेंस आई लव यू, ओके, बहुत ही अच्छा नाम दिया गया है, मतलब इसको शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड के तौर पर अवार्ड मिला है। ठीक है, और टेनेट नाम की मूवी आपने देखी होगी, टेनेट अभी कुछ टाइम पहले क्रिस्टोफर नोलन की थी, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस मूवी थी, तो बेस्ट विजुअल इफेक्ट के तौर पे दोस्तों अवार्ड मिला है, और ये 3rd क्रिस्टोफर नोलन की दोस्तों मूवी है, समझ गए मेरी बात, मतलब ऑस्कर इनको अभी भी नहीं मिला, लेकिन ठीक है,
बेस्ट विजुअल इफेक्ट के तौर पे दोस्तों इनको अवार्ड मिला है। ठीक है गाइज, इंसेप्शन हो गया, इंटरस्टेलर हो गया, देखी होगी ना पहले इंसेप्शन और इंटरस्टेलर, नहीं देखी तो देखना, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। तो इसके बाद में तीसरी मूवी को जो है इनको बेस्ट विजुअल इफेक्ट से नवाजा गया, बेस्ट मूवी का अवार्ड है जो कि नहीं मिल पाया इसके अंदर। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं एना रोथ को लेकर, ओल्डेस्ट वुमेन एवर टू विन, सबसे ओल्डेस्ट वुमेन है दोस्तों रोथ, जिनको अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइज, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के तौर पे इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है। सबसे ज्यादा बुजुर्ग महिला है, 89 की इनकी एज है दोस्तों, ओल्डेस्ट वुमेन टू एवर टू विन एन ऑस्कर। तो काफी सारे अवार्ड है जो कि बने हैं मतलब, तो ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है गाइज, और कॉल के बारे में आपको मालूम ही है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से। ठीक है, एनिमेटेड की बात करें तो 3 ऑस्कर विंस फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म। ओके, तो पीट डॉक्टर जो है उनको 3 ऑस्कर अवार्ड उन्होंने जीते हैं एनिमेटेड फीचर फिल्म को लेकर। ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा सोल नाम की मूवी है, उसके लिए इनको वापस से अवार्ड है जो कि मिला है। ओके, और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट होस्ट की बात करें तो खैर ये सब तो खैर पेपर में कोई ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है गाइज, तो ये था आपका कंप्लीट ऑस्कर अवार्ड जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और ठीक है, और इसमें से कोई भी सवाल पेपर में बनेगा तो आप इजीली पिक कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस से क्लासेस में। और अगर आपको अनअकैडमी पर कोई भी प्लस कोर्स लेना हो तो BHU 10 या भुवनेश्वर लगाना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।